हाय एवरीवन, कि आपको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि आपको इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने इश्यूज हो रहे हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब इश्यूज हो रहे हैं अगर, सो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है. सो बेसिकली व्हाट आर हार्मोन्स? दीज आर टाइनी केमिकल मैसेंजर्स जो आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी और मैसेजेस डिलीवर करते हैं आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में. बहुत सारे रोल्स होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स के, आपके एंडोक्राइन में, आपके इंसुलिन हार्मोन हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पैटर्न में आपको हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, और अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम में एक भी या उससे ज़्यादा हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होती है तो बहुत सारे आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. सो हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हैं और उनके क्या रीजंस हैं और उनको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं नेचुरली, नॉट विद एनी मेडिकेशंस और पिल्स, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम इम्पॉर्टेंस नहीं समझते हैं, दैट इज़ स्लीप. अगर आपका स्लीप पैटर्न रेगुलर नहीं है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो रिलीज होता है, तो जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्लीप रेगुलर पैटर्न हो, आप एक टाइमिंग पे सो रहे हैं, वो पैटर्न डेवलप्ड हो, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्लीपिंग, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ स्लीप. वो डीप स्लीप हो, आप सो रहे हैं और इमीजिएटली आपको नींद आ जाती है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो एक वो पैटर्न डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. और जो लोग रात को बहुत लेट सोते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि उस टाइमिंग पे आप अगर टाइमली सो रहे हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो सबसे कम रिलीज होता है मिड नाइट के टाइमिंग पे. तो आपका मतलब वो स्ट्रेस सबसे लीस्ट होता है, और अगर उस टाइमिंग पे आप सो नहीं रहे हो तो भी वो एक्टिव है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, तो आपको वो रेस्ट नहीं मिल पाता और आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस रहता है. सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप एंड स्ट्रेस, दे गो हैंड इन हैंड. अगर आपका प्रॉपर स्लीप नहीं है या आपको नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और एटलीस्ट सोने से एक घंटा पहले अपने गैजेट से दूर होना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. देन सेकेंड इज़ कि आपके जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं वो आपके अंदर जो भी हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे कि आपके जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर वो पैराबेंस हैं, बीपीए है, पैराबेन फ्री नहीं है, बीपीए फ्री नहीं है, तो आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. देन अगर आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पेस्टिसाइड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, इन सब रीज़न से टॉक्सिन्स डेवलप होने लगते हैं. क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर जीनो एस्ट्रोजेंस होते हैं, कंपाउंड होता है जो आपके बॉडी में मिमिक करता है या एक्ट करता है आपके नेचुरल एस्ट्रोजन की तरह, तो वो आपकी बॉडी में इस वजह से बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं. अब इससे डील करने के मैं आपको कुछ वेज बताती हूँ. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप स्किन केयर रेजिमेन जो भी फॉलो करते हैं वो जितना हो सके नेचुरल. मैं इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए मैं वीडियोज़ बनाऊँ, शेयर मी, आई शेयर अपने कमेंट्स में शेयर करिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगी कि आप नेचुरली कैसे यूज़ कर सकते हैं. जितना हो सके हार्श केमिकल्स ना यूज़ करें, अपने मेकअप जितना हो सके मिनिमल यूज़ करें, और आपका जो स्किन केयर रेजिमन है वो नेचुरल हो. घर में ही, हमारी किचन में ही बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हैं, एंटीसेप्टिक जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, तो वो यूज़ करें, ना कि केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करें. देन आप जो वेजिटेबल्स लेके आते हो, बहुत पेस्टिसाइड्स उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें आप लेके आएँ, बाकी इंग्रेडिएंट्स वो लेके आ गए, वेजिटेबल्स लेके आए हैं, उसको प्रॉपरली वॉश करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वाइट विनेगर में उसको 30 मिनट सोक करके रख सकते हैं और फिर आप उसको कंज्यूम करें, क्योंकि अभी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रहे हैं, लेकिन उसका हाइजीन वैल्यू मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपरली वॉश करना इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक्स की जगह आप अपना कंटेनर्स जो यूज़ करें, ग्लास कंटेनर्स हो, बॉटल्स हो, ग्लास कंटेनर्स हो, या स्टेनलेस स्टील वाले आप यूटेंसिल्स यूज़ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब आप चेंजेस लेके आएँ. देन एक्सरसाइज, उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है आपको अलर्ट रखने में, आपका जो मूड है वो स्टेबल रखने में, देन आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. आप जो भी चीज़ इंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल वॉक हो, लेकिन एक रेगुलर रूटीन बनाना वो इम्पॉर्टेंट है, तभी वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है. लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम्फसाइज ऑन दैट, कि आप जो एक्सरसाइज करें डोंट गो ओवरडू, डोंट ओवरडू इट, डोंट गो ओवरबोर्ड विद दैट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी वो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा कर देता है, तो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेसर. इंस्टेड ऑफ गिविंग यू रिलीफ इन दैट एस्पेक्ट, आपका हार्मोन्स और इम्बैलेंस हो जाते हैं. सो जस्ट मेंटेन अ बैलेंस, कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसको रेगुलरिटी में कर रहे हैं एंड नॉट गेटिंग ओवरबोर्ड.
राइट. प्लांट बेस्ड डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप हेल्दी वेजिटेबल्स खाते हैं अपनी डाइट में, वो इंक्लूड करते हैं, तो वो हेल्प करता है आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है इंडोल 3 कार्बिनॉल, जो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं जो ज़्यादा बनते हैं, तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. देन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जितना आप कम लेते हो अपने डाइट में उतना बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप देखें आजकल डेयरी में हॉर्मोन्स इंजेक्ट करे जाते हैं, बोवाइन ग्रोथ हॉर्मोन, देन आप जितना एनिमल बेस्ड डाइट लेते हो तो वो एनिमल डेराइव्ड एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में जाता है, तो जो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स हैं उनको हाई करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको हाई करता है, जो हॉर्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है. तो जितना प्लांट बेस्ड डाइट हो उतना बेटर रहता है. देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, कई बार होता है आजकल लोग यू आर पेट्रीफाइड ऑफ द ओल्ड फैट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो. जी हाँ, येस देर आर हेल्दी फैट्स ऑल्सो जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि आप नट्स एंड सीड्स, मैंने विंटर फूड्स जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए उसमें भी मैंशन किया हुआ है, एंड टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग इट ऑल्सो. नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे आलमंड्स हैं, वॉलनट हैं, ये सब सोक करके अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए आपको. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है. और फैट्स जो होता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हॉर्मोन्स, तो आपके हॉर्मोन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इफेक्टिवली, वो प्रोड्यूस उसमें फैट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. बट ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, आप कुछ भी प्रोसेस्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट्स, वो सब चीज़ें, सैचुरेटेड फैट, वो नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करें. अदरवाइज नट्स, सीड्स, आप कोकोनट ऑयल इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी है. कोकोनट ऑयल की आप कुकिंग कर सकते हैं, देन इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप कोकोनट ऑयल से पुलिंग कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग अपने माउथ में, यू आर जस्ट स्विशिंग इट इन योर माउथ, और उसके बाद आप उससे ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. देन अपने डाइट में कैफीन को लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो हु आर कॉफ़ी लवर्स, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं इफ यू आर लिमिटिंग योर कैफीन इनटेक. कॉफ़ी का इनटेक आप 1 से 2 कप कर रहे हो दिन में, दैट इज़ फाइन, बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स अ स्टिमुलेंट, तो वो आपके एड्रेनल लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई करता है, तो इट इंटरफेयर्स विद योर स्लीप ऑल्सो इन द नाइट, और अगेन हॉर्मोनल इम्बैलेंस में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. सो लिमिट योर कैफीन, क्योंकि अगर आप आज अभी कैफीन ले रहे हैं दोपहर को, तो 6 आवर्स तक भी उसका इफेक्ट रहता है आपकी बॉडी में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट रिड ऑफ कैफीन. अगर इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए, मैं वीडियो बताऊँ किस तरह से आप कैफीन को क्विट कर सकते हैं, देर आर हेल्दी वेज इन विच यू कैन डू एट, और आपको रीजनिंग और पता चले कि क्यों कैफीन को रिस्ट्रिक्ट करना अपार्ट फ्रॉम हॉर्मोनल इम्बैलेंस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, शेयर मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. देन उसके साथ साथ अगर आपको हॉर्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको अपने डाइट में अडैप्टोजेंस ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. अडैप्टोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स होते हैं जो आपको अडैप्ट करने में हेल्प करते हैं, आपको कुछ भी स्ट्रेस हो उससे कोप अप करने में हेल्प करते हैं. देन कुछ भी हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो उसमें हेल्प करते हैं, आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं. जैसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया, जिनसेंग हो गया, ये सब आपको डाइट में अपने इंक्लूड करना चाहिए. सो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर हेल्पफुल. सो आई फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और अपने फ्रेंड्स को भी टैग करो जिनको हॉर्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, या फिर नहीं भी है तो अवेयरनेस के लिए. सो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. और आपको कुछ भी और टॉपिक्स पे भी, जैसे मैंने डिस्कस करते करते भी बात करी कि और टॉपिक्स इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ हो, मैं जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, शेयर मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई मेक वीडियोज. थैंक यू फ्रेंड्स.